बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। साथ चलने वाले मुखलिस हूँ तो बुरे वक्त से भी लुत्फ उठाया जा सकता है। मियार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, मेयार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। कभी कभी कुछ गलत लोग ज़िंदगी का सही मतलब सिखा जाते हैं। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वो शर्मा कर आजजी और मुखलसी से पेश आएगा, लेकिन घटिया और कम नस्ल को इज़्ज़त दोगे तो वो तकब्बर से अकड़ जाएगा और मुखालफत में उतर जाएगा। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। खुद को खुश रखना चाहते हो तो हर चीज़ का लुत्फ उठाओ, किसी चीज़ का आदि ना बनो, वरना आदतें अक्सर जलील करती हैं। वो चीज़ें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, अखलाक, नेक चलन, इज़्ज़त व किरदार, अक्ल व शऊर, भरोसा, सब्र, रुतबा व मर्तबा, दयानतदारी और मोहब्बत। अगर आपके पास एक मोहब्बत करने वाला ख़ानदान है, चंद अच्छे दोस्त, पेट भरने के लिए ग़िज़ा और सर ढकने के लिए छत है, तो आप अपने गुमान से ज़्यादा अमीर हैं। फ़र्क तो सिर्फ इस्तेमाल का है, वरना बाज़ कलम इनकलाब ले आते हैं और बाज़ सिर्फ शलवार में नाड़ा डालने के काम आते हैं। वो जो ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स होता है ना, वो कभी जा के भी नहीं जाता, बल्कि हमेशा मवाजनों और मुकाबलों का हिस्सा बना रहता है। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे शख्स को छोटा महसूस न होने दे। लफ्ज़ कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लफ्ज़ सहने वाले कमाल करते हैं। कलम उठाने से पहले अपनी तहकीक करो, ताकि तुम्हारे लिखे पर कोई दूसरा कलम ना उठा सके। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। जिस्म की प्यास के लिए पानी, रूह की प्यास के लिए नमाज। बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। अगर उनसे मोहब्बत न मिले जिनसे आप प्यार करते हों, तो फिर मोहब्बत उसको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हों। छोटे ज़हनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े ज़हनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं। शख्स बनोगे तो खाक बन जाओगे, शख्सियत बनोगे तो हमेशा ज़िंदा रहोगे। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा ज़लील करवा देता है। दिन में रिज़्क तलाश करो और रात में उसे तलाश करो जो रिज़्क देता है। इब्तदा के बाद
जब इंतहा को देखा, इश्क के बाद हमने खुदा को देखा। नहीं मैं मोहताज दुनिया का एक तेरे सिवा या रब, मेरे सजदे कबूल कर ले मेरी सांसें टूटने से पहले। बुरे वक्त में भी अच्छाई होती है, जैसे ही आता है फालतू के लोग चले जाते हैं। थैंक यू नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।